और मेरे साथ है मोहम्मद सकलेन। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया भाई यहाँ पे? है मोहम्मद सकलेन, ये क्या हो रहा है? यहाँ तब्दीली का काम शुरू हो गया बिल्डिंग में। तो यहाँ पे जो है आज हमारी बिल्डिंग में कंपाउंड में देखिए ये सब काम हो रहा है, और मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखे, ये जो है हमारी बिल्डिंग में आज जो है गटर की नई लाइनें बिछ रही है, और यहाँ पे जो है सकलेन बता रहे तब्दीली हो चुकी है, क्योंकि नई कमेटी आ चुकी है हमारी बिल्डिंग की, और नई कमेटी जो है वो सारे काम करवा रही है। तो चले देखे, लेट सी, इंशाल्लाह नई कमेटी आई है तो कुछ अच्छे काम होंगे और ये बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे अभी हम लोग निकल रहे थे, और निकलते निकलते ये रिक्शा आ गया, और रिक्शा पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा पाइप है, और ये पाइप जो है ये पीवीसी का है मेरे ख्याल से। हाँ, पीवीसी का पाइप है, और ये लगेगा वहाँ पे ज़मीन में अंदर, और इसकी इसके बाद जो है हमारी गटर लाइनें हो जाएगी बिल्कुल नई, तब्दील हो जाएगी बिल्कुल। तो अब मैं और मोहम्मद सकलेन जा रहे हैं कहाँ पे, वो तो आपके साथ इंशाल्लाह आगे चल के शेयर करते। ये देखे भाई कराची का मौसम आज किस तरह से हुआ हुआ है। कल तो जो है पूरा बारिश वाला मौसम बना हुआ था और बादल ही बादल थे, और आज जो है वो तेज़ और कड़क धूप निकली हुई है ना मोहम्मद सकलेन, आंखें खुल गई हमारी तो। और जो है मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है आज कराची का, और अब जो है वो हम चलते आगे, और इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। जी तो हम आ चुके हैं सैलून में, और आज कुछ सोच रहे हैं कि अपना हुलिया ज़रा सा सुधार ले। ये देखे बाल वगैरह काफ़ी बढ़ चुके हैं, और शेप वगैरह भी काफ़ी बढ़ चुकी है, और मोहम्मद सकलेन जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ हमारे प्यारे से भाई अमजद के पास। अमजद क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। तो मैं जो है हमेशा अमजद के पास से हेयर कटिंग करवाता हूँ, इनका सैलून है सोल्जर बाज़ार 2 नंबर पे, और आप में से काफ़ी लोग इनको जानते ही होंगे क्योंकि काफ़ी सारे मेरे देखने वाले यहीं पे आते हैं इसी सैलून में। तो अमजद अच्छी सी हेयर कटिंग कर दे यार भाई आज, ठीक है ना? और आपके दोस्त भी आते हैं यहाँ बहुत सारे। हाँ, अच्छी कटिंग करते हैं हम। और हमारी तरफ से, हमारी वीडियो की तरफ से कोई आएगा तो उसको डिस्काउंट देना फिर, सही है ना? ठीक है, चले जी। तो आप हेयर कटिंग करवाते, खत वगैरह बनवाते, और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते। 2 hours later. जी तो मैं आ चुका हूँ सैलून से घर पे। देखे मेरा फाइनल लुक, आप लोग, कटिंग करवाई मैंने और खत वगैरह बनवाई और थोड़ा सा कलर वगैरह करवाया, तो थोड़ा सा इस तरह से आप लोगों को नजर आ रहा होगा। बस जस्ट मैं लूंगा शावर। सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मेरी मेड जा चुकी है और मेरा रूम हो गया है बिल्कुल साफ, और ये देखिए मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। यहाँ कायनात क्या कर रही है? कायनात क्या कर रही हो आप? जाम खा रही हो? जाम पता है कौन खाता है? कौन खाता है बताओ बताओ? तोते खाते हैं। और आप तोती हो? इस कायनात को जाम बहुत पसंद है, और ये देखिए मसाला भी ना ये जाम के साथ लेकर आती है, और ये जाम के अंदर डालती, खोलो तो सही इसको, ये जाम वाले मसाला देते हैं और ये इसके ऊपर डालती है, और ये शौक से ये खाती है, इनको जाम बहुत पसंद है। कायनात क्यों? सबको जाम पसंद होते। जी कायनात और असगर पता नहीं क्या चुपके से कर रहे हैं, ज़रा देखते जाके ये दोनों कर क्या रहे गैलरी में अकेले अकेले। और कायनात के हाथ में पेंट्स भी थे, ज़रूर कुछ ना कुछ साजिश चल रही है। तो चलते हैं और दिखाती हूँ क्या करते, चले चले उनको पकड़ते। तो चलते गैलरी की तरफ। ओए देखिए दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? ये कायनात को जो है वो अचानक से ख्याल आया कि भाई चले हम इसको जो नए वाले हमारे पॉट्स हैं वेजिटेबल्स वाले उन पे करते कलर,
तो कायनात इधर पेंट कलर्स लेके आ गई। हाँ मैंने यही कहा इसके हाथ में पेंट्स थे, ये कुछ ना कुछ काम हो रहा है दोनों का। भाई मम्मा मैं कौन सा कलर करूँ इस पे, कौन सा कलर करे कायनात आप बताओ इस वाले पे? ये लाइट ग्रीन है ना, इस पे डार्क ग्रीन अच्छा लगेगा। ये वाला वैसे ये है क्या चीज, ये बताओ कायनात सबसे पहले। ये सैलेड का प्लांट जी, सैलेड लीव्स है ये। वाओ ये वाला कर देते कलर। हाँ पाकिस्तान पाकिस्तान। एक्चुअली हमारे जो पुराने वाले पॉट्स है ना, वो सब भी ना आप दिखा उन सब, हाँ, कलर उस सब में तो कलर हुआ हुआ है, हम लोग ने कलर ही लिए थे। और ये जो आए जो डिस्काउंट में आए उसमें कलर नहीं है। इस पे हम कलर करते हैं और इसको भी इंशाल्लाह इसका भी लुक चेंज करके और आपको दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर। हाँ तो ये इधर हो रहे हैं, ये कांडा में हो रही है नई नई साजिशें, तो ये स्टार्ट कर रही हैं कायनात। तो अब कायनात को पेंट आता है या नहीं आता है ये पता चलेगा आज। चेक करेंगे हम कि कायनात की पेंटिंग कैसी है भाई, पॉट के ऊपर कायनात पेंटिंग करके। 1 2 3 गो गो। खत्म हो चुकी है और ये देखिए यासगर ने पेंट किया है पिंक कलर का, और ये है कायनात ने पेंट किया है ग्रीन। कायनात थोड़ा सा और ऊपर लाओ, पीछे लो थोड़ा सा। हाँ अब ये कमेंट में आपको बताना है कि किसने सबसे अच्छा पेंट किया। फिर जी मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ, यासगर ने पेंट किया है स्ट्रॉबेरी का और ये कायनात ने किया है पेंट सैलेड लीव्स का। कमेंट में हमें बताइएगा जरूर, 10 out of 10 देने आप लोगों को कि भाई मेरा पेंट कैसा है और कायनात का पेंट कैसा है। तो कौन जीता है ये आप लोगों कमेंट में बताना है सबको। जो है मैंने पिंक कलर इसलिए किया है क्योंकि स्ट्रॉबेरी प्लांट मेरे पास था, इसीलिए मैंने पिंक कलर का किया है। और कायनात को जो है वो ग्रीन कलर का जो है वो सभी ने बोला था तो उन्होंने ग्रीन कलर किया है। आज का हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ये पेंटिंग कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने कमेंट नहीं किया तो वो फौरन कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आज आप लोगों को जज करना है कि कौन किसने अच्छा पेंट किया है। और फौरन जाइए एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स को अपने शेयर कर लीजिए हमारे चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।